बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया जद्दा से लाइव हूँ मैं। इस वक्त भी एक काम के सिलसिले में यहाँ पर मुकीम हूँ, इस द्वार में देख लें, इस बिल्डिंग के नीचे। तो बहरहाल ये बहुत से ऐसे काम हो रखे हैं आजकल जी, जो कि हम जो परदेसी भाई, गैर मुल्की भाई हैं, हमारे काम के, यानी कि मैं खुद के अपने काम के लिए हूँ, लेकिन इससे भाई दूसरे बंदों को भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। बहरहाल जो भी मामलात होंगे मैं आपके साथ वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। अभी तक की जो सूरत हाल है ना भाई, इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल उसके मुतल बात कर लेंगे इस वीडियो में। कि अभी मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोज़, कुछ ऐसी न्यूज़ देख रखा हूँ और कुछ बंदों के ऐसे रवैये देख रखा हूँ जो कि खासकर यूट्यूबर और टिकटॉक के ऊपर काफ़ी फेमस है, जो पाकिस्तानी अफराद को भाई ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी से अपनी टिकट वगैरह लेकर अपने कंटेन पैकेज वगैरह ख़रीदें और सऊदी अरबिया पहुँचें, जो कि इस वायरस की नई किस्म आ चुकी है दुनिया में, ओमी, जिसको ओमी बोला जा रहा है। वैसे तो ओमिक्रॉन है लेकिन शॉर्टली ओमी बोला जा रहा है। तो बहरहाल बोला ये जा रहा है कि उसके मुतल्लक अभी काफ़ी सख्ती की जा रही है, जैसा कि सऊदी अरेबिया ने भी पहले 7 ममालिक के लिए, फिर 7 ममालिक के लिए, यानी कि 14 ममालिक के लिए सऊदी अरेबिया ने भी फ्लैट्स बंद कर दी हैं। तो आप ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की फिर से फ्लैट बंद हो जाएँ। अच्छा, इसमें यह है, इस मौजू के ऊपर एक दो मैं आपके साथ बातें शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो अभी शाह सलमान की तरफ से कल भाई आपके इकामे और छुट्टी बढ़ाए गए हैं 31 जनवरी तक, आपको पता है जी, यानी कि आज से 2 माह बाद तक। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा डाउट लग रहा है कि 2 माह इकामे क्यों बढ़ाए गए हैं। इकामा तो 1 माह ही बहुत था, फ्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं आपके, दिसंबर तक इकामे बढ़ जाते, दिसंबर की लास्ट 30-31 तक तो आप इजीली सऊदी अरेबिया में आ सकते थे। जनवरी की 31 तक इकामे क्यों बढ़ाए गए हैं, 2 माह इकामे क्यों तजदीद किए गए हैं, इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे भी। लेकिन अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि सऊदी अरेबिया ने अभी फ्लैट ओपन की है पाकिस्तान की और शरायत के साथ ओपन की है, यानी कि 5 दिन का कंटाइन करना होगा और एक डोज वाले को 3 दिन का कंटाइन करना होगा और विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा और उम्र ज़ायरीन अभी भी बंद हैं, तो भाई ये, यानी कि उम्र ज़ायरीन बंद है, बाकी तमाम तर आ सकते हैं। तो भाई इन चीज़ों को देखते हुए मुझे खुद से ये लगता है कि अभी सऊदी अरेबिया अगर आप बोले ना 10-15 दिन में फ्लैट्स बंद कर देगा, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अभी आपकी फ्लैट्स भाई ओपन रहेंगी 31 जनवरी तक, हाँ उसके बाद यानी कि जनवरी के लास्ट में दोबारा से कुछ दिनों के लिए बंद की जाएं, वो एक अलग से मामला होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं अभी होगा कि 7-8 माह के लिए दोबारा से बंद जा रही हैं, ऐसा मेरे हिसाब से अभी दोबारा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो जो बंदे आपको ये कहकर डरा रखे हैं, उनका मकसद आपके साथ भाई यही हो सकता है फिर कि आप जल्दी से जो ठग बैठे हुए हैं, टिकटें महंगी बेच रहे हैं, उनसे लुटें, उनके पास जाएँ, उनको जायद पैसे दें, कंटेन पैकेज महंगे खरीदें, टिकटें महंगी खरीदें, जल्दी जल्दी सऊदी अरेबिया। मैं यही बोलूंगा सऊदी अरेबिया आप आएं, जल्दी आएं, लेकिन जब टिकट आप लें आप पहले तो अपना इकामा और छुट्टी चेक करेंगे, आपका तजदीद हो चुका है, उसके बाद भाई आप अपने उसके पास जाएं, एजेंट के पास अपनी टिकट लें 7-8 दिन वक्फे के बाद की, आपको सस्ती मिलेगी। हालांकि मुझे एक भाई कमेंट कर चुका है 83 यानी कि 83,000 के अराउंड में पीए की टिकट मिल चुकी है, ये बेस्ट है। अगर आपको 1 लाख के अराउंड में टिकट मिल रही है तो ये बेस्ट है, 1500 के अराउंड में कंटाइन पैकेज मिल रहा है वो भी बेस्ट है।